पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुरुवार को मुरादाबाद में युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता जफर इस्लाम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया है, महिलाओं को सुरक्षा दिलाई, गरीब तबके की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध कराई है, किसानों को उनकी फसल का मुनासिब दाम दिलाया, देश भर में चौमुखी सड़कें और हाईवे दिए गए, कोविड-19 जैसी महामारी से वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि देश में आज यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व जो वायदे संकल्प पत्र में किए गए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में पूरे कर दिए। देश में बेरोजगारी का राग अलाप कर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जबकि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए दुनिया में पसंदीदा नेता हैं क्योंकि वे जमीन पर जाकर लोगों से रूबरू होते हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और उसी के अवसर पर यहाँ पर हमारे पार्टी ने बहुत सारे खेलकूद का कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में हमें भाग लेने का जो है मौका मिला। हमारे यूथ विंग जो है, हमारा जो युवा मोर्चा है, उसने बहुत सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया था और हम सुबह में एक मैराथन में जो है हमने भाग लिया है। इसलिए कि युवा पीढ़ी जो है हमारे देश की, वो सिर्फ देश में नहीं पहले दुनिया के लिए एक प्रेरणा के तौर पर उभर कर आ रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे और किसी फील्ड में, चाहे फाइनेंस का फील्ड हो, चाहे राजनीति का फील्ड हो। आप देखें यूके में भी आज यंग प्राइम मिनिस्टर है, वो भी भारतीय मूल का है। और अगर आप देखें दुनिया के बहुत सारे ऐसे बड़ी कंपनियां हैं जिसके भी जो युवा जो CEO है वो भारतीय मूल के हैं और भारत के नागरिक आज भी हैं। ये सब मानसिकता दर्शाता है, किस तरह की मानसिकता है, जिस चीज़ को पढ़ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। और एक इस तरह की बात जो उनकी जो पढ़ाई है, जिस क्या पढ़ते हैं मुझे मालूम नहीं, जो इस तरह की बात करते हैं, बेसिकली उनका मकसद ये है कि समाज आज जब एकजुट होकर और हमारी सरकार का जो मंत्र है सबके साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो चल रही है, उसको उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा लाने की कोशिश करते हैं। और उसका उसका जो है सीधा सीधा जो है कोशिश यही होता है कि समाज को बिखेरने और तोड़ने की कोशिश करते हैं। कि ओवैसी जी का अगर पूरा इतिहास देखें तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स में है, मुस्लिम समाज को कटघरे में रख के वो खुद की राजनीति, अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जब भी ऐसे मौके आते हैं जब उनको लगता है कि मुस्लिम समाज को वरगलाना चाहिए, मुस्लिम समाज को गुमराह करना चाहिए, मुस्लिम समाज को आड़े रख के फ़ायदा, उनका राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, तो वह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ओवैसी साहब जैसे लोग वो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं, हकीकत में उनको सिर्फ राजनीति करनी है, उनको समाज से नहीं, कम्युनिटी से नहीं, सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। नहीं, भाजपा तो पिछड़े हों, गरीब हों, मजदूर हों, लाचार हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, ये पार्टी सबकी सेवा करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का हाथ थामने वाली पार्टी है, जो पार्टी जो लोग आप आज पूरे देश को उठा के देखिए, इसी एक पार्टी के बारे में लोग गरीब कहेगा कि ये पार्टी ऐसी है, इसके पार्टी के लीडर्स ऐसे हैं, पार्टी के प्रधानमंत्री ऐसे, जो देश के प्रधानमंत्री इसी पार्टी से आते हैं, उनकी जो कार्यशैली को देख के ये कहेगा कि हम सिर्फ जनता की सेवा में बिलीव करते हैं और ख़ासकर जो कमज़ोर तबका है उसको जितना मजबूत करने की कोशिश हमारी पार्टी करती है शायद किसी इतिहास में किसी पार्टी ने किया। हाँ, नारा लोगों ने दिया है जैसे बिजली, पानी, सड़क हम सब देंगे, लेकिन आज ना बिजली दिया, ना पानी दिया, ना सड़क दिया। आज वो चाहे तो लोगों के पास अगर छत नहीं है तो हम छत भी देने का काम करते हैं, घर में गैस चूल्हे नहीं तो गैस चूल्हे को भी हमारी महिलाओं को देने का काम करते हैं, पेंशन भी देते हैं, अकाउंट में पैसा भी देते हैं, राशन भी पहुँचाते हैं और साथ साथ जो बिजली, सड़क, पानी वो भी देने का काम करते हैं। तो एक आम नागरिक
अब महसूस करने लगा है कि ये सरकार जनता की सरकार है, आम नागरिक की सरकार है, और बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं गलत बयानी से अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए गलत बयानी करते हैं और समाज को तोड़ के राजनीति में अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन समाज अब समझ चुका है, इसलिए बार बार उनको पराजित होना पड़ता है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।